थॉट कैन बी चेंज नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज। हमारे अनुभव जो कुछ भी हैं वे आंतरिक विचारों के बाहरी प्रभाव है। इवन सेल्फ हेटर इज ओनली हेटिंग अ थॉट यू हैव अबाउट योर सेल्फ। आपके पास एक विचार है जो कहता है आई एम अ बैड पर्सन। विचार एक भावना पैदा करता है और आप भावनाओं में बह जाते हैं। हालांकि यदि आपके पास विचार नहीं है यू वोंट हैव द फीलिंग। सोच को बदला जा सकता है, चेंज द थॉट। दिस इज ओनली टू शो अस वेयर वी गेट मैनी ऑफ आवर बिलीव्स, बट लेट्स नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू स्टे स्टक इन आवर पेन। द पास्ट हैज नो पावर over us. The past has no power over us. It doesn't matter how long we have had a negative feeling which has become a pattern. The point of power is in the present moment. Ehsaas karne ke liye this is the wonderful things to realize. Hum habitually ek hi vichar ko baar baar soch sakte hain taki aisa na lage कि वी आर चूजिंग द थॉट। वी डिड मेक द चॉइस। हम अपने बारे में कुछ खास सोचने से इनकार कर सकते हैं। देखिए आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक सोचने से इनकार किया है। याद कीजिए वैसे आप अपने बारे में नेगेटिव सोचने से भी मना कर सकते हैं। इट सीम्स टू मी दैट एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट इज सफरिंग फ्रॉम सेल्फ हेटर एंड गिल्ट। The less our lives work, the less self-hater and guilt we have in our life, utna hi behtareen hamara jeevan ho sakta hai. So, think about it. The thought we think creates our future. So, if you want to think, why don't you think positive? Thank you very much and take care of yourself.